नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है सभी का? आई एम श्योर सभी अपने टॉप कंडीशन, टॉप स्टेटस पे होंगे। ओके फाइन, स्टेटस तो सभी का अच्छा है, वो सभी के लिए तो ऑफ कोर्स विशेष बहुत सारी हैं, लेकिन अपने इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस भाई कहाँ तक पहुँचा है? तो खैर, वो भी बहुत अच्छा पहुँचने वाला है और बहुत अच्छा पहुँचेगा ही, राइट? अगर हिम्मत करते हैं, हम हिम्मत रखते हैं, जज्बा है, तो डेफिनेटली कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। तो आज की अपनी वीडियो इसी उम्मीद के साथ भी, हम जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए मुहिम चली हुई है, तो उसको हम जल्दी ही अपने वो अचीव कर लेंगे। उस जो एक कवेटेड स्टेटस होता है, कवेटेड होता है जो डिजायरस स्टेट होती है, उसको हम जल्दी ही अचीव कर लेंगे। और ये वीडियो आज की हम स्टार्ट करते हैं इसी उम्मीद के साथ। खैर, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, उसको लेकर ही एक न्यूज़ जो है इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ चैनल न्यूज़ पेपर में आज आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो न्यूज़ की हेडलाइन क्या है? सो न्यूज़ की हेडलाइन है, न्यू फ्लेयर अप इन मणिपुर, थ्री शॉट डेड इन कुकी विलेज। कुकी विलेज मणिपुर का एक एरिया है, वहां पर विलेज है। न्यू फ्लेयर अप, फ्लेयर अप क्या होता है? आउटबर्स्ट, जो अचानक कोई चीज फट जाए। फ्लेयर अप क्या होता है? एक फ्रेजल है ये, राइट? सडन आउटबर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटबर्स्ट क्या है? कोई चीज फट जाना। और यहाँ पर क्या चीज आउटबर्स्ट हुई है, कोई चीज कौन सी ज्यादा, बहुत ज्यादा अचानक उछल गई, मतलब फट गई है, मतलब क्या वहां पर वायलेंस। तो यहाँ पर अचानक नया वायलेंस हुआ है, जिनमें तीन लोग मर गए हैं, तीन शॉट डेड, तीन को गोली मार के मार दिया कुकी विलेज में। तो आगे पढ़ते हैं, ये इसकी हेडलाइन थी। द अटैक केम नॉट लॉन्ग आफ्टर कुलदीप सिंह, जो कुलदीप सिंह कौन है, सिक्योरिटी एडवाइजर टू द मणिपुर गवर्नमेंट, said that the state had not seen violence for 48 hours. और ये अटैक जो है, अभी पढ़ते हैं, जो अटैक है, the attack came, अभी अटैक हुआ है ये, कब? Not long after, ज्यादा ही टाइम नहीं हुआ था, जब कुलदीप सिंह जो सिक्योरिटी एडवाइजर है मणिपुर गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा था कि स्टेट जो है had not seen violence for 48 hours. 48 घंटे, मतलब दो दिन से वायलेंस की कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, बस ये कहना ही था कुलदीप सिंह का, और ये अटैक हो गया। एथनिक क्लैशेस, एथनिक क्या होता है यहां पर? कल्चरल, रिलीजियस भी होता है इसका मतलब, एंड कल्चरल भी होता है, राइट? जो रिलीजियस और जो उनके कल्चरल जो डिस्प्यूट है, जो दो ग्रुप है जो अलग अलग कल्चरल के हैं, राइट, कल्चर के हैं, वो उनमें दोनों में क्लैश है मणिपुर में। मणिपुर में एक्चुअली कहानी क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिन में। पहले मैं डिस्कस करता हूँ एथनिक क्लैशेस। क्लैशेस यहाँ पर क्या है? डिस्प्यूट, लड़ाई, झगड़ा, राइट? हैव रॉयल्ड, रॉयल्ड क्या होता है? डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब कर रखा है। जो एथनिक, जो रिलीजियस या कल्चरल जो डिस्प्यूट है, क्लैशेस हैं, उन्होंने हैव रॉयल्ड, रॉयल्ड मतलब डिस्टर्ब किया हुआ है स्टेट को फॉर मोर देन अ मंथ नाउ, एक महीने से ज्यादा हो गया। और एथनिक क्लैशेस, एथनिक रिलीजियस डिस्प्यूट की वजह से स्टेट को रॉयल किया, रॉयल मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब किया हुआ है। नेक्स्ट, थ्री पर्सन, तीन जो लोग हैं इंक्लूडिंग एन एल्डरली वुमेन वर किल्ड अर्ली फ्राइडे इन मणिपुर कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट with villagers alleging that the assailants were dressed in police and IRB Indian Reserve Battalion uniform. Teen persons jo hain, right, jinme se ek elderly woman, ek bujurg aurat hai jinko mara gaya, were killed shukrawar ko in Manipur ke Kangpokpi district mein with villagers अलीजिंग, जबकि विलेजर्स जो हैं वहां के, वो कहते हैं अलीजिंग, अलीजिंग होता है दोष लगाना, क्या होता है ये, दोष लगाना, दोष लगाते हुए, दोष लगाया इन्होंने, दैट द असेलेंट, असेलेंट कौन होता है, अटैकर्स, हमलावर, अटैकर्स हम बोल देते हैं, अटैकर्स जो हैं वो ड्रेस थे पुलिस और आईआरबी की यूनिफॉर्म में पहनी हुई थी उन्होंने, जो अटैकर्स थे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में या आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन की यूनिफॉर्म में आए थे, ये विलेजर्स का कहना है। रेजिडेंट्स ऑफ कोकेन विलेज, जो रेजिडेंट, जो वसनीक हैं कोकेन विलेज के, इनहैबिटेड, इनहैबिटेड क्या होता है, लिव्ड, जो वहां पर रहते थे, बाय कुकीज, जो कुकीज एरिया के पास रहते थे,
अलेजेड मतलब दोष लगाया उन्होंने दैट आर्म्ड मैन, जिन जो हथियार वाले बंदे थे, आर्म्ड मतलब हथियार हो गया, आर्म्ड मैन केम अराउंड 4 AM, वो लगभग सुबह 4 बजे आए थे, ओपनड फायर और गोली बारूद मतलब गोली जो है चलानी है शुरू कर दी थी। ओपन फायर क्या होता है, गोलियां चलानी, राइट, इन द विलेज, स्टेइंग देयर फॉर अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे तक वो विलेज में ही थे, 2 घंटे तक वो जो थे हमलावर, जो असेलेंट्स थे वो वहीं पे ही थे, 2 घंटे तक वहां पे रखे। वाइल जबकि पुलिस कंफर्म, लेकिन पुलिस ने कंफर्म किया था दैट 3 persons वर किल्ड एंड 2 injured, दे डिड नॉट शेयर डिटेल्स रिगार्डिंग द इंसिडेंट। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने कंफर्म किया है या कंफर्म किया था भी 3 persons जो है वो मरे हैं। ये पैसिव सेंटेंस है अपना, ये राइट, ये पैसिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। एंड 2 injured, 2 injured हो गए हैं, दे डिड नॉट शेयर, दे मतलब पुलिस शेयर नहीं किया था डिटेल्स रिगार्डिंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट में एक्चुअली कितने बजे हुआ, क्या थे, क्या यूनिफॉर्म पहनी थे, क्या किस कहां से कैसे आए थे, ये डिटेल में नहीं बताया पुलिस ने, बस ये बताया भी 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं एंड 2 यानी इंजर्ड हुए हैं। कोकेन इज सिचुएटेड ऑन कंगपोकी डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर विद इम्फाल वेस्ट। नाउ जो कोकेन जहां पर घटना हुई है ये कंगपोकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उसके बॉर्डर पे स्थित है। सिचुएट क्या होता है, स्थित होना, राइट, जो इम्फाल के वेस्ट में है, वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में है। द विलेज इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम संगीथल विच फॉल्स अंडर इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और ये जो विलेज जहां पर इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे है, ये जो जगह है संगीथल जगह से 1 किलोमीटर दूर है, संगीथल वो जगह है जो इम्फाल में है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। रेजिडेंट्स ऑफ कोकेन, जो रेजिडेंट है कोकेन के, जो वसनीक है, आइडेंटिफाइड द 3 killed एज 65-year-old डोम कोकई, 52-year-old खाई जमैंग गाइट एंड 40-year-old जंग पाओ तोथांग। ये लोगों के नाम है वहां के भी जो इंसिडेंट में मारे गए हैं, राइट, उनको आइडेंटिफाई किया है, पहचाना गया है वहां के लोगों ने, ये उनके नाम, एक 65 इयर्स के हैं, एक 52 इयर्स के हैं, एक 40 साल के हैं। नाउ थोंगखप डोंगल जो है रेजिडेंट ऑफ द विलेज एंड डोमिकोइस यंगर ब्रदर सेड अराउंड 40 people हैड एंटर्ड द विलेज इन द अर्ली आवर्स। इनका कहना है, ये जो 2 लोग हैं इनका कहना है जो रेजिडेंट है विलेज के, भी लगभग 40 लोग जो है वो एंटर मतलब विलेज में घुसे थे, 40 लोग, राइट, 40 लोग जो थे उसमें आए थे। अभी एंटर के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड चीज है, देखो एंटर जब हम किसी प्लेस के लिए लगाते हैं, भी किसी प्लेस में आए हैं, इसके साथ हम इनटू या टू नहीं लगाते हैं, ठीक है, एंटर इनटू नहीं आएगा, ओनली एंटर ही रहता है। अगर इसकी जगह कोई और वर्ब लगा होता है जैसे केम लगा होता तो फिर हम इनटू लगाना पड़ता, तो एक छोटा सा डिफरेंस है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए, दे वर ड्रेस्ड इन अ मिक्स ऑफ ब्लैक टी शर्ट वोन बाय मेंबर्स ऑफ रामबाई टेंगोल एंड पुलिस एंड IRB यूनिफॉर्म एंड दे बिगेन फायरिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। उनका कहना भी, वो जो लोग आए थे हमलावर उन्होंने मिक्स जो थे पहना हुआ था कपड़े, मतलब मिक्स पहना हुआ था, एक ब्लैक टी शर्ट थी, वोन मतलब होता है पहना, ये सेकंड फॉर्म होगी वियर की, वियर वोर वोन, तो यहां पर ये वोन थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, भी पहना हुए थे उन्होंने ये कपड़े। और ये जो कपड़े हैं ब्लैक टी शर्ट वगैरह, ये मेंबर्स ऑफ अरम्बाई जो है टेंगोल वो पहनते हैं, एंड पुलिस की ड्रेस में थे और IRB यूनिफॉर्म में थे, एंड दे बिगेन, और उन्होंने शुरू कर दी फायरिंग करनी इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली क्या होता है, अंधाधुंध में, बिना किसी को देखे भी, छोटे बच्चे हैं क्या बड़े हैं, सभी को एमलेसली जो फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और एमलेसली मतलब बिना सोचे समझे कौन है भी, बस काम कर देना, फायरिंग कर देनी, इसके लिए वर्ड क्या यूज किया है, इनडिस्क्रिमिनेटली, भी कोई अंतर नहीं किया। द फायरिंग वेंट ऑन फॉर अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही। वेंट ऑन क्या होता है, चलते रहना, मतलब कैरी ऑन, जैसे गो ऑन
गो ऑन जो है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कैरी ऑन, भी कोई काम करते रहना। गो यहाँ पर पास्ट इंसिडेंट है इसलिए वेंट ऑन लिख दिया। द फायरिंग वेंट ऑन फॉर अराउंड 2 आवर, 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही। वी वकेटेड, वकेटेड क्या होता है, कोई जगह खाली करवाना, राइट, एम्प्टी कराना, एम्प्टी सम प्लेस, तो खाली करवाया था विलेज एंड वेंट टू द नियरेस्ट CRPF कैंप एंड इन्फॉर्म देम। वो कहते हैं भी हमने वकेट करवाया पूरी विलेज को, पूरे जो गांव है उसको खाली करवाया, और जो नजदीक का CRPF कैंप है वहां पर हमने इन्फॉर्म भी किया। द अटैकर्स लेफ्ट ओनली आफ्टर CRPF एंड द गोरखा रेजिमेंट केम टू द विलेज। अटैकर्स सिर्फ तभी गए जब CRPF के जवान एंड गोरखा रेजिमेंट के लोग, जो सेना है अपनी गोरखा रेजिमेंट, वो वहां पर आए थे विलेज में। दे लेफ्ट इन 5 जिप्सी विच वी कुड सी वर पुलिस व्हीकल ही क्लेम। तो इस बंदे का कहना है, जो रेजिडेंट है इस विलेज का, वो कह रहे हैं भी 5 जिप्सी में वो वापिस गए, जो कि जिप्सी जो थी पुलिस की व्हीकल्स थी। उनका कहना है पुलिस की व्हीकल में जो चले गए, मे भी हो सकता है पुलिस के जो चोरी किया हो उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड डॉम खोखोई वॉज किल्ड इन द विलेज चर्च वेयर शी हैड गॉन टू प्रे। उसका कहना है इंसान का भी, जो एक लेडी जो मरी है, एल्डरली वुमन मरी है, उसको मारा गया विलेज की चर्च में, मारा गया उसको, जबकि जहां पर वो चर्च में गई थी प्रे करने के लिए, पाठ पूजा करने के लिए वहां पे गई थी। बोथ मैन वर ऑर्डिनरी फार्मर्स, और जो दो लोग मरे हैं, दो मैन मरे हैं, वो आम एक फार्मर्स किसानी थे। वाइल माई सिस्टर वॉज अ विडो ही सेड, जो उनकी सिस्टर थी, मतलब वो जो लेडी पहले बात नाम दिया हुआ है डॉम खोखोई, जो उनकी विडो थी, वो उनके हस्बैंड पहले ही नहीं थे। नेक्स्ट द इंडिजिनस, द इंडिजिनस क्या होता है, घरेलू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक, राइट, इसको क्या बोल देते हैं हम, घरेलू, घरेलू जो द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम है, अलेज्ड, उन्होंने दोष लगाया था दैट द अटैक वॉज परपीट्रेट। परपीट्रेट क्या होता है, कमिटेड, परपीट्रेट मतलब किया गया, कमिटेड, अटैक को जो है किया गया बाय वैली बेस्ड इंसर्जेंट डिस्गाइज्ड इन आर्मी यूनिफॉर्म। इस ग्रुप का कहना है, जो इंडिजिनस घरेलू उनकी ट्राइबल लीडर्स का जो ग्रुप है, उनका कहना है ये जो अटैक किया गया परपीट्रेटेड क्या होता है, कोई चीज करना, कमिटेड करना, ये किया गया वैली, जो वैली की जो बेस्ड लोग हैं उन्होंने किया था, और जो इंसर्जेंट, मतलब इंसर्जेंट कौन होते हैं, जो बिना किसी लीगल, मतलब लीगली जो एंटर नहीं करते, जिसको हम बोल देते हैं रिबेल्स, रिबेल्स कौन होते हैं, विद्रोही, राइट, जो इंसर्जेंट थे, जो अटैक करने वाले थे, डिस्गाइज, डिस्गाइज क्या होता है, भेष बदला हुआ था, वो हाइड थे, राइट, यहां पर हाइड की सेकंड फॉर्म, मतलब हिट थे आर्मी यूनिफॉर्म में। उनका कहना है वो जो लोग आए थे अटैक करने वाले, वो उन्हीं की वैली के ही लोग थे, जो पुलिस की यूनिफॉर्म जो थी आर्मी यूनिफॉर्म में डिस्गाइज किया होता है, डिस्गाइज होता है अपना भेष बदलना। द फोरम, फोरम क्या होता है, जो मीटिंग है, सेड जो ग्रुप है यहां पर, उनका कहना है दोज हु वर किल्ड वर सिविलियन, और जो लोग मरे हैं, जो मारे गए हैं, वो सिविलियंस, आम नागरिक ही थे। द कुकी जो विलेजर्स नॉट सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग क्या होता है, डाउट करना, संदेह करना, शक करना, नॉट सस्पेक्टिंग द अटैकर्स ट्रू आइडेंटिटी, विलेजर्स ने उनकी जो आइडेंटिटी, बिकॉज वो तो यूनिफॉर्म में आए थे पुलिस के, आर्मी के एंड सो ऑन, तो उनका डाउट नहीं हुआ, उनकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता चली, एंड एज्यूमिंग, ये मानते हुए कि इट वॉज अ कॉमिंग ऑपरेशन, गेव वे, उनको रास्ता दे दिया। अभी कॉमिंग ऑपरेशन क्या होता है, कॉमिंग ऑपरेशन मिलिट्री वर्ड है, मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसमें डिफरेंट जो ग्रुप है आर्मी के, राइट, इकट्ठा होते हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं आर्मी के वो इकट्ठा होते हैं, राइट, टुगेदर परफॉर्म्स, परफॉर्म कुछ काम करते हैं, परफॉर्म सम एक्टिविटीज, कुछ अटैक करते हैं एंड सो ऑन। उस एक्ट को बोलते हैं, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग, राइट, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमिंग ऑपरेशन,
जिसमें आर्मी के, मतलब आर्मी हो गया, पुलिस हो गया या कुछ और हो गया, जहां पर अलग अलग यूनिट के लोग इकट्ठा होकर कोई ऑपरेशन, कोई एक्टिविटी जो है करना हो, तो उसको बोलते हैं कॉमिंग ऑपरेशन। और उनको लगा भी कॉमिंग ऑपरेशन है, अलग अलग जो डिफेंस वाले लोग हैं इकट्ठा होकर आए हैं और उन्होंने रास्ता दे दिया, लेकिन वर मेट विद ऑटोमेटिक राइफल फायर। लेकिन फिर उनको जो लोग हैं विलेजर, ऑटोमेटिक जो राइफल है उनका सामना करना पड़ा, बिकॉज वो लगातार फिर गोली चलाने शुरू कर दी उन्होंने, रिजल्टिंग इन द ट्रेजिक डेथ्स ऑफ विलेजर्स। द ट्राइबल बॉडी से, ट्राइबल बॉडी ने कहा भी, अचानक फिर उन्होंने बॉडी जो ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से दुखांत मृत्यु हुई। ट्रेजिक क्या होता है? दुख, सैड, राइट, सैड, उदास। तो ये इनका बताया। एंड अभी आई थिंक लास्ट में हम पहुंच गए हैं, इन रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट, इस घटना के रिस्पॉन्स में जो दो कमेटी है, उन ट्राइबल्स यूनिट्स सदर हिल्स विच हैड अर्लियर डिसाइडेड टू लिफ्ट द ब्लॉकेड ऑन NH2 टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ इसेंशियल गुड्स, डिसाइडेड टू री इम्पोज क्लोजर ऑफ द नेशनल हाईवे। इस घटना के बाद रिस्पॉन्स में जो कमेटी है ट्राइबल्स वालों की, यूनिटी की, उन्होंने पहले तो डिसाइड किया था भी वो लिफ्ट हट कर देंगे, लिफ्ट मतलब उठा देंगे, ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या होता है? स्टॉपेज, भी कोई भी रास्ता वगैरह वो बंद नहीं करेंगे और नेशनल हाईवे 2 पे, राइट। लेकिन अभी उन्होंने रीइम्पोज दोबारा फिर लागू कर दिया है, राइट, दोबारा फिर जो है वो कंडीशन या लागू कर दिया है, टू रीइम्पोज दोबारा फिर लागू कर देना क्लोजर, दोबारा फिर उन्हें लागू कर दिया है क्लोजर ऑफ द नेशनल हाईवे। मीनवाइल जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हैज री रजिस्टर्ड 6 FIRs, 6 FIRs CBI ने दर्ज की हैं। एंड सेटअप, सेटअप क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इस्टैब्लिश कोई चीज, इस्टैब्लिश करनी कोई चीज, कंस्ट्रक्ट करनी भी उन्होंने अभी इस्टैब्लिश किया है, कंस्ट्रक्ट की है, अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर अ DIC रैंक ऑफिसर टू प्रोब। प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल, एग्जामिन, प्रोब, राइट। प्रोब केसेस रिलेटेड टू एथनिक वायलेंस इन मणिपुर बिटवीन मेटिसिस एंड कुकीज, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाई है SIT CBI ने, और इसका काम है प्रोब करना। प्रोब मतलब जांच पड़ताल करेगी ये केसेस को, वो केसेस जो रिलेटेड हैं कल्चर वायलेंस, जो कल्चरल वायलेंस हो रही है मणिपुर में बिटवीन मेटिसिस, जो एक ग्रुप है मेटिसिस का एंड कुकी ग्रुप है, उनके बीच में जो दंगे हो रहे हैं, जिस वजह से ही शायद ये भी एक्ट हुआ है, इसके बीच में जो है सारी केसेस डिस्कस करेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगी। और ये जो केसेस हैं, ये जो ग्रुप हैं, दो ग्रुप जिसके बीच में वॉयलेंस हुआ है, दैट हैज क्लेम्ड नियरली 100 लाइफ, इनकी वजह से, इन दो ग्रुप के वॉयलेंस की वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। द SIT कंप्राइजेस 10 ऑफिसर, कंप्राइजेस क्या होता है? इंक्लूड, शामिल होना। SIT में 10 ऑफिसर जो है वो शामिल है। कंप्राइज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्राइज मतलब शामिल होना। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगाते हैं, जो प्रेपोजिशन ओ एफ है ऑफ, कंप्राइजिस ऑफ नहीं होता। बहुत सारे स्पोर्ट दी एरर में लिखा होता है कंप्राइज ऑफ, जो कि गलत है। कंप्राइज मतलब शामिल होना, लेकिन ऑफ इसके साथ नहीं लगते, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। तो हे भगवान, ढेर सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने इस न्यूज़ में डिस्कस किए हैं। न्यूज़ को दोबारा एक बार फिर रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ ना आए तो ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो जो भी आपका कमेंट होगा, इफ कोई चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं हुई, सो आप वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी और एनी डाउट इफ स्टिल दैट इज लेफ्ट, जो अगर कोई डाउट रह गया है फिर भी, वो मैं पर्सनली जो है आपको रिप्लाई करूंगा। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा, वीडियो में सारा सेंटेंसेस का मतलब समझ आया, शब्दों का जो कैप के वर्ड्स हैं वो सारी अच्छी तरह समझ आए। तो चलते रहे हम आगे स्टेप बाय स्टेप, और इंग्लिश को हम इम्प्रूव करते रहें। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही है,
टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेस्ट विशेज फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा. बाय बाय, टेक केयर.